IVM भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, पिछली बार हम लोगों ने महिमा वशिष्ठ से बातें की थी एक एपिसोड में, बहुत ही पॉपुलर एपिसोड था वो, और हम लोगों ने बात की थी कैसे शहरी कंटेक्स्ट में महिलाओं के अनुभव होते हैं और उनको स्पेशली वर्किंग एटमॉस्फेयर में कैसा अनुभव होते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन एक इच्छा हमेशा से थी कि आगे हम लोग इस विषय पर और चर्चा करें और इस पर क्या रिसर्च हो रही है, क्योंकि एक दो डेटा भी इसके ऊपर बहुत कम कलेक्ट होता है। तो रिसर्च, कटिंग एज रिसर्च क्या है इस विषय पे, ये जानने की बड़ी तलब थी, आपको नहीं लगता? हाँ हाँ, हमने भी कुछ कुछ ऐसे अटकलें लगाई थी कि हाँ, औरतें हिंदुस्तान में काम नहीं करती हैं क्योंकि ऐसा है या वैसा है, और रिसर्च जो है वो हमेशा एग्री नहीं करती है अटकलों से। तो बिल्कुल, एक आई थिंक हम लोगों को रिसर्च बेस्ड कन्वर्सेशन करना चाहिए, वरना गप तो कोई भी मार सकता है। हाँ, तो इसीलिए सौरभ मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्विनी देशपांडे। मैं तो उनको कहूंगा वो शायद भीष्म पितामह रिसर्च की इस एरिया में, तो उन्होंने काफी शुरुआत से 20 सालों से इस विषय पर काम कर रही है और वो प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की अशोका यूनिवर्सिटी में और फाउंडिंग डायरेक्टर है सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस की। तो डॉक्टर देशपांडे, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। नमस्कार आप दोनों को और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट पे बात करने के लिए। तो वेलकम। और हम लोग एकदम हमेशा से शुरुआत से शुरू करते हैं, तो हम लोग तो यही जानना चाहते थे, जैसे कि आप काम करती है इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पर, तो ये हिंदी में कहेंगे शायद भेदभाव का अर्थशास्त्र कह सकते हैं, तो ये क्या है क्या, और इस विषय से आप कैसे जुड़ी? भेदभाव का अर्थशास्त्र ये है कि जिस सोशल आइडेंटिटी में आपका जन्म हुआ, यानी कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं या काले हैं या गोरे हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, फलानी जाति के हैं या किसी और जाति के हैं, हिंदुस्तानी हैं या किसी और देश के हैं, ये सारे हमारे ये हमारे चॉइस के से बाहर है। इन सर्कमस्टांसेस में हमारी पैदाइश हुई। तो भेदभाव की अर्थशास्त्र ये जानने की कोशिश करता है कि जो हम एडल्ट लाइफ में जो हमारे सारे आउटकम्स हैं, कि कहाँ तक हम पढ़े, कहाँ तक हमने नौकरी करी, किस तरह की हम नौकरी कर रहे हैं, हमें वेतन कितना मिलता है, हमारे और आर्थिक अनुभव किस प्रकार के होते हैं, क्या इन चीजों पर हमारी जो सामाजिक जो हमारा ग्रुप है, सोशल आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी से क्या ये जो आर्थिक हमारे परिणाम हैं, ये सिस्टमैटिकली जुड़े हैं कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक किसी व्यक्ति को जानती हूँ जो जिसके पास मर्सिडीज है, मैं उस किसी व्यक्ति को जानता हूँ जो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, ये बात नहीं है। सवाल ये है कि एक गुट, समाज का एक गुट, क्या सिस्टमैटिकली उस समाज के, उस गुट के आर्थिक परिणाम बेहतर हैं और एक अन्य गुट के आर्थिक परिणाम इतने अच्छे नहीं है, और क्या साल दर साल ये जो दोनों के बीच में दायरा है या तो बना रहता है या बढ़ जाता है या कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब बात यह है कि ये दायरा किसी एक व्यक्ति के परिणाम से तय नहीं होता है, ये औसत दायरा हुआ, एवरेज। तो औसतन क्या एक समाज का गुट दूसरे समाज के गुट से कई मापदंडों में उनका जीवन बेहतर है कि नहीं, और अगर ऐसा है तो सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें ऐसी क्या प्रक्रियाएं हैं जिसकी वजह से ये दायरा बना रहता है और साल दर साल ये दायरा रेप्लीकेट होता रहता है, ये डिफरेंसेस रेप्लीकेट होते रहते हैं, ऐसी क्या मैकेनिज्म है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर सुबह हम मिलके तय करते हैं कि चलो आज हम महिलाओं का शोषण करेंगे, ऐसा तो कोई नहीं होता है। कोई पुरुषों की कॉन्फ्रेंस तो नहीं रोज होती है ना कि चलो सारे पुरुष इकट्ठे आए और अब चलो शोषण करने, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा, इसके बावजूद हम लोग कई बार हम ऐसे एक्शंस करते हैं जो कि हम सच में मानते हैं
कि महिलाओं के पक्ष में है और ज्यादातर पुरुष उसी तरह के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद महिला पुरुषों के बीच में जो आर्थिक जो गैप है वो बार बार रेप्लिकेट क्यों हो रहा है? सामाजिक जो आर्थिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें ऐसे क्या तंत्र हैं जिसकी वजह से जो महिला पुरुष के जो बीच में जो दायरा है वो लगातार रेप्लिकेट होता जा रहा है? तो अर्थ भेदभाव का अर्थशास्त्र जो है वो इन प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है। तो कुछ ढांचे में कुछ है, ये नहीं है कि ये किसी की कुछ चॉइसेस हैं या कोई गलती से हो गया और वो हम ढांचा क्या है वो आप परत खोलने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा, ढांचे में है और ये ढांचा अलग अलग जगहों में फर्क फर्क भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो ढांचा हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं वही ढांचा अमेरिका में भी हो, बात ये नहीं है। लेकिन बात एक बड़ी आश्चर्यजनक बात ये है कि हालांकि जैसे अमेरिका बहुत बड़ा अमीर देश है, डेमोक्रेसी वहां पे काफी स्ट्रांग है, इंस्टीट्यूशंस काफी स्ट्रांग है, हिंदुस्तान की वास्तविकता थोड़ी अलग है, किसी और देश की वास्तविकता इससे भी अलग हो सकती है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जो भेदभाव के जो तरीके होते हैं या जिन मैकेनिज्म से जो जो सबाल्टर्न ग्रुप जिसे आप कहते हैं, जो स्टिग्मेटाइज ग्रुप है, जिसके ऊपर जो लांछित जो समाज का तबका है उनके खिलाफ जो भेदभाव होता रहता है उसके तरीके काफी हद तक एक दूसरे से मेल खाते हैं। हालांकि कुछ कुछ फर्क भी होते हैं लेकिन काफी हद तक एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो जो रंग भेद हो रहा होगा यूएस में वो हिंदुस्तान में हो सकता है जाति को लेकर के या फिर रिलीजन को लेकर के हो रहा हो, लेकिन हो सकता है दोनों के पीछे कुछ समानताएं हो कि वो कैसे होता है भेद। कुछ समानता है कुछ फर्क भी है, मतलब ये भी नहीं हमें मानना चाहिए कि सब जगह, जैसे अभी वो इजाबेल विल्कर्सन की बहुत प्रसिद्ध किताब निकली है जिसका नाम है कास्ट, और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका का जो रंग भेदी जो व्यवस्था है वो वास्तव में हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था है। तो हालांकि वो किताब बहुत बढ़िया तरीके से लिखी गई है और बहुत लिखती वो बहुत खूबसूरत है और बड़ी रिवेटिंग तरीके से लिखी गई है, लेकिन इस थीसिस से मुझे थोड़ी आपत्ति है क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जो कास्ट जो जाति व्यवस्था है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है लेकिन कुछ फर्क भी है, और जो रंग भेद की जो वहां व्यवस्था है और हमारे यहाँ जो जाति भेद की है उसमें काफी फर्क भी है। खैर एनीवे वो एक अलग सवाल है, मैंने थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात नहीं, नहीं लेकिन ये तो पुलियाबाजी है, हम तो ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल ये था कि आप तो अर्थशास्त्री हैं और आपने तो आपकी पीएचडी भी इंटरनेशनल डेट वगैरह में की थी, तो ये अर्थशास्त्र से कैसे जुड़ा हुआ है? कि जैसे कि आपने आउटकम्स की बात की तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं अवसर लागत की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, डिमांड सप्लाई वगैरह की, तो उन चीजों से आपको क्या कनेक्शंस दिखे कि आप इस विषय को आप आर्थिक अर्थशास्त्र के नजरिए से देखने लगे? तो ये तो आपने बड़ी मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी बात पूछ ली, मतलब इत्तेफाक से हुआ ये सारा, और इस तरीके से हुआ कि अब अगर कोई मुझसे ये एडवाइस पूछे तो मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगी कि इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो हुआ ये था कि अब ने बिल्कुल सही कहा, हम मैंने जो अर्थशास्त्र पढ़ा था उसमें ये होता है कि व्यक्ति के पास कितनी इनकम है या कितने, मतलब जैसे कोई कंज्यूमर है उसके पास कितना इनकम है और जो चीजें वो खरीद रहा है उसकी कितनी कीमत है, तो बजट कंस्ट्रेंट है, इनकम कंस्ट्रेंट है, उसके हिसाब से आप कंज्यूमर है तो वैसे फैसले लेगा, अगर प्रोड्यूसर है तो वो भी लागत के हिसाब से फैसले लेगा, मतलब उस व्यक्ति की सोशल आइडेंटिटी क्या है उससे जो इकोनॉमिक्स के मॉडल्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको ही कह लीजिए, शी कह लीजिए, जब मैं स्टूडेंट थी तो सारे टेक्स्ट बुक्स में कंज्यूमर को ही लिखा जाता, ही वेंट देयर, ही हैड सो मच इनकम। आजकल की टेक्स्ट बुक्स में सब जगह शी होता है, शी वेंट टू द मार्केट, शी हैड सो मच इनकम, लेकिन जो मॉडल आज पढ़ाया जा रहा है वही मॉडल 20 साल पहले भी था, उस मॉडल में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये कि चाहे आप उस व्यक्ति को ही कहें चाहे शी कहें, उसका जो इकोनॉमिक आउटकम है उसमें उसकी सोशल आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं भी काफी हद तक ये मानती थी, मतलब मुझे लगता था कि हाँ मैं महिलाओं और पुरुषों में थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन हो सकता है वो पुराने डिस्क्रिमिनेशन की वजह से रहा हो, या कभी वैसे इतना कुछ सोचा नहीं, टू बी फ्रैंक इतना ज्यादा उसके बारे में विचार नहीं किया। लेकिन जब मैंने अपनी पीएचडी पूरी की, कुछ पेपर्स मेरे पीएचडी से निकले, तो एक जनाब थे जो काफी यूएस के काफी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, विलियम डैरिटी नाम है उनका, सैंडी डैरिटी कहते हैं, सैंडी उनका पेट नेम है। तो उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा कि आपका एक पेपर पढ़ने को मिला लोन, मतलब इंटरनेशनल डेट पे, बड़ा अच्छा लगा वगैरह वगैरह करके उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा, और उनके पेपर्स मैंने पढ़े थे अपने पीएचडी के लिए, तो मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा लगा कि अरे एक छोटे यंग स्टूडेंट के लिए कोई ऑथर अपने आप ईमेल भेजे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उन दिनों तो खैर कोई गूगल नहीं था, इंटरनेट पता नहीं वर्ल्ड वाइड वेब तो रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन कोई हम इतना
देखते नहीं थे, ईमेल ही बहुत बड़ी चीज थी कि भाई ईमेल ने किसी ने भेज दिया। तो उनसे बात शुरू होने लगी, ये वो कहने लगे क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारा एक पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप है, तो यदि आप चाहें तो आपको मैं इन्वाइट कर सकता हूँ वहां पे। तो बिना कुछ सोच, मतलब ज्यादा कुछ नहीं सोचा, थोड़ा बहुत सोचा, हमने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल नेकी और पूछ क्यों नहीं आएंगे, हम जरूर आएंगे। तो हम पहुंच गए अपना अमेरिका और इनसे खाली हमारी ईमेल पे बात हुई थी, कुछ मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता था इनके बारे में। और एक किस्सा उससे याद है, क्योंकि पुलियाबाजी इसलिए बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला हम आपको एयरपोर्ट पे लेने आएंगे, तो मैंने कहा आप मुझे पहचानेंगे कैसे, क्योंकि फोटो तो कभी देखी नहीं है और कोई इंटरनेट नहीं था उन दिनों। तो उन्होंने कहा कि उस एयरपोर्ट पे एक हिंदुस्तानी स्त्री आपकी उम्र की कितनी औरतें उतरेंगी उस एयरप्लेन से, बहुत कम, तो मैं पहचान लूंगा, उसकी चिंता ना करें आप। तो मैंने भी कहा ठीक है, और मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किससे मिलने वाली। वहां जाके देखा कि वो खुद अफ्रीकन अमेरिकन है, और अफ्रीकन अमेरिकन जो रंग भेद है उस विषय पे उन्होंने, उनका बहुत गहरी उन्होंने रिसर्च की हुई है। और तो बातों में रोज कुछ ना कुछ बात होती थी, अच्छा आपका क्या विचार है जाति प्रथा के बारे में, फलाना ये वो। तो मैंने कहा इतना कोई मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं है इसके बारे में, लेकिन चलिए आप पूछ रहे हैं। तो उनके साथ साथ मैंने सोचना शुरू किया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पे अध्ययन क्यों नहीं करती हैं। तो मैंने कहा ये इकोनॉमिक्स थोड़ी है, ये तो सोशियोलॉजी हुआ या हिस्ट्री, ये सब तो मुझे इतना कुछ मालूम भी नहीं है, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी इतना मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, और फिर इकोनॉमिक्स में चली गई तो और भी मतलब पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अमेरिका में तो इन सब विषय पे इकोनॉमिस्ट बहुत अध्ययन करते हैं, वो देखते हैं वेजेस, ऑक्यूपेशन, इनकम, कंजम्पशन, ये सारे जो मटेरियल इंडिकेटर्स है, जो भौतिक मतलब इंडिकेटर्स है, इनको लेके तो हम बहुत संशोधन होता है। फिर उन्होंने मुझे कुछ पेपर दिए पढ़ने को, तो मैंने कहा लेकिन इस किस्म का डेटा या हाउस होल्ड सर्वे, इतने 80,000, 90,000, 1,00,000 ऑब्जर्वेशंस, ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं, मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं है कि ये क्या होता है, ये सब कैसे करते हैं। तो कहने लगे करो ये है डेटा सेट, इसको लेके करो अध्ययन। मैं तो एकदम चौकन्नी सी हो गई, लेकिन उस वक्त मेरी मतलब माय प्राइड डिडंट लेट मी से कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब ये मुझसे कहा नहीं गया कि ये मेरे बस की बाहर की बात है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, यहाँ तो सब करते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो एक जिसे कहते हैं ना फूलिशनेस ऑफ यूथ, वो उसका एक उदाहरण था कि तो उसको एक चैलेंज के रूप में लिया, फिर एकदम से एहसास हुआ कि कितना बड़ा, कितनी बड़ी चुनौती थी वो। और फिर मैंने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी थी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ ये कुछ वो, कुछ मेरे पिताजी जेएनयू में प्रोफेसर थे, उनको बार बार ईमेल लिख के अच्छा इसके बारे में किताब बताइए, उसका कुछ बताइए, ये समझाइए, ये शब्द लिखा है इसका क्या मतलब है, डिक्शनरी से तो पता चल रहा है मुझे, लेकिन वास्तव में मायने क्या है इसका ना, कुछ चीजें डिक्शनरी का मीनिंग पढ़ने से नहीं पता चलती है, क्योंकि वो सोशल साइंस की कैटेगरीज होती हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ कर करा के और ये मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे कहने की कि मैंने कभी हाउस होल्ड सर्वे डेटा कभी एनालाइज ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा करोगी, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे। तो कुछ चुनौती भरे महीने बीते उसके बाद, उसके बाद पहला पेपर लिखा मैंने। और मैंने जब वो लिखा तो मैंने सोचा कि ये तो इतनी एबीसी वाली बातें हैं, क ख ग वाली, कि ये तो मैं किसी को बोलूंगी तो लोग हंसेंगे मुझ पे कि ये क्या तुम सिखाने आई हो हमें, जब इतना कास्ट पे इतनी स्कॉलरशिप हिंदुस्तान में। मैंने बल्कि इनको, सैंडी को ये बोला, मैंने कहा देखिए इतने स्कॉलर्स ने इतना बड़ा बड़ा भारी भारी योगदान कास्ट सिस्टम पे किया, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो लोग जानते नहीं है, सब कुछ तो मालूम है कास्ट के बारे में, अब और बचा क्या है जानने के लिए। तो कहने लगे आपको ये मालूम नहीं है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कंटेम्प्रेरी, इस पे कोई अध्ययन नहीं है। तो इनका कैसे नहीं हो, जरूर होगा, किसी ना किसी ने तो किया ही होगा, ऐसे कैसे हो सकता है किसी ने नहीं किया। और फिर जब मैं लिटरेचर रिव्यू करने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि छोटे मोटे केस स्टडीज, किसी ने कुछ एथनोग्राफिक अकाउंट, विलेज स्टडीज काफी अच्छे अच्छे सोशियोलॉजिस्ट ने किए हुए थे, लेकिन एक नेशनल लेवल पे कास्ट डिस्पैरिटीज की क्या पिक्चर है और कैसे बदलाव हो रहा है, वो वाकई में नहीं था। फिर खैर, फिर भी जब मैंने अपना पहला पेपर, तो मुझे लगा लोग हंसेंगे, कहेंगे ये चलिए अब दिखाने के लिए कि कास्ट डिस्पैरिटी क्या होती है, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को बहुत डरते डरते वो पेपर भेजा कि देखिए कुछ नई चीज है, कुछ लिखने की कोशिश की है, जरा आप करिए। तो आई वॉज टेकन अबैक बाय द गुड रिसेप्शन।
फिर भी मैंने कहा चलो अब एक लिख लिया बहुत है, अब मैं जा रही हूँ वापस अपने इंटरनेशनल डेट पे जहाँ मेरा कंफर्ट लेवल काफी ठीक था। मैंने कहा जो मैं जानती हूँ, जिसपे इतना सर खपा के पीएचडी करी है, उसके ऊपर ही मैं काम करूंगी। अब दोबारा नए विषय पे सीखना ये तो बहुत ज्यादा है। फिर एक पेपर लिखा, फिर किसी ने नहीं नहीं आप कास्ट और जेंडर के ओवरलैप को स्टडी कीजिए। अब आपने इतना डेटा एनालाइज कर लिया है तो उसमें आप जेंडर भी देख लीजिए। तो मैंने भी सोचा चलो क्या हर्ज है, अब इतना तो काम कर ही लिया है, उसमें इतना लर्निंग कर्व, इतना मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने टाइम का डाला, तो चलो देख बैठे बैठे जेंडर भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो उसका जब एनालिसिस किया तो कुछ और नई चीजें निकली। फिर किसी ने बोला अरे अब आपने ये दो पेपर लिख लिए तो अब थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में भी कुछ बताइए। ऐसे करते 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 वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और उसके बाद उस वक्त भी शुरू के 3-4 साल में मुझे लगता था कि चलो 3-4 साल ये कर लूंगी, उसके बाद अपने इंटरनेशनल डेट पे चली जाऊंगी वापस। लेकिन फिर उसके बाद कभी वापस जाना हुआ ही नहीं। और फिर मुझे इस चीजों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिलचस्पी होने लगी। फिर मेरे ही दिमाग में सवाल, पहले तो शुरुआती कुछ पेपर लिखे गए, किसी ने मुझसे सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे नहीं पता था, तो मैंने कहा चलो अब जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद अब मेरे ही दिमाग में कई सवाल उठने, जितना मैं और करती हूँ उतने और सवाल उठते हैं। तो जो किस्सा शुरू हुआ उस टाइम से, अब वो अब तो डेट का कभी कभी मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में मैं वो दोबारा उस फील्ड में वापस जाऊंगी। अब तो यही है। बड़ी दिलचस्प कहानी बताइए आपने। ठीक है, तो इन्हीं विषयों पर थोड़ा और विस्तार में बातें करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये जेंडर गैप से जुड़े हुए सवाल डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग जाति प्रथा के आर्थिक परिणामों के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं एक और आर्थिक तौर से जानना चाहता हूँ कि ये जो लैंगिक भेदभाव है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसकी आर्थिक कीमत क्या होती है समाज के लिए? शायद हमारे लिसनर्स को भी ये आर्थिक रूप से देखने में थोड़ा और अलग प्रकार पड़ेगा इस विषय पे, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो इसके कई तरीके हैं, इसका आर्थिक परिणाम जांचने के कई तरीके हैं। एक तो यह है कि जैसे यदि आप देखें लेबर फोर्स, मतलब सारे नौकरी करने वाले नौकरी पेशा लोग, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, चाहे वो मैनेजरियल लेवल पे हो, चाहे कोई भी बीच में हो, तो अगर हम ये माने कि रफली आधा हमारी जो जनसंख्या है उसमें रफली 50% औरतें हैं, रफली 50% जो कि सारे देशों में लगभग वैसा ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। तो यदि आप जो आपकी आबादी का 50% हिस्सा है, ये तो आपको अगर आप ये मान के चलते हैं कि औरतें जो है वो जेनेटिकली कम, मतलब कम बुद्धि वाली होती हैं या अबला होती हैं वगैरह, वो अलग हुआ, मतलब एक तबका वो भी मानता है, लेकिन उनको हम हटा देते हैं। ज्यादातर लोग ये मानेंगे कि औरतों और मर्दों में कैपेबिलिटीज में और जेनेटिकली कोई फर्क नहीं है, मतलब जो चीज जितनी बुद्धि और आदमियों में होती है उतनी औरतों में भी होती है, जो कैपेबिलिटीज आदमियों में होती है वो उतनी औरतों में भी होती है। लेकिन अगर आपके आप समाज के 50% हिस्सों को अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करके उनका इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं देंगे, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो जिसको उसका फायदा हो सकता है उस कैपेबिलिटी का, वो तो हम खो दी, वो कैपेबिलिटी खो गई ना। मतलब मान लीजिए सपोजिंग कोई औरत है जो कि बहुत बढ़िया इंजीनियर बन सकती है, वो उसमें है कैपेबिलिटी, लेकिन कभी आपने उसको मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग पढ़ने का मौका ही नहीं दिया, तो कैसे आपको पता चलेगा कि वो लड़की आगे जाके इंजीनियर बन सकती है? तो भारत को इंजीनियर होने के जो आर्थिक फायदे हैं उनसे तो आप वंचित हो गए। या कोई डॉक्टर, कोई औरत बहुत बढ़िया डॉक्टर बन सकती है या न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकती है, कुछ समझ लीजिए, तो उसकी टैलेंट क्योंकि यूटिलाइज नहीं हुई। क्यों नहीं यूटिलाइज हुई? क्योंकि आपकी जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उसने उस औरत के गुणों को पनपने का मौका नहीं दिया। उसकी वजह से आगे चल के उन गुणों का जो इस्तेमाल हो सकता था भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी को बढ़ने के लिए, वो कभी हो ही नहीं पाया। ठीक है ना? तो इससे जो हमारी जीडीपी जो बढ़ सकती थी वो बढ़ नहीं पाएगी। तो अब बहुत बार आपने शब्द सुना होगा यूथ डिविडेंड, मतलब भारत के इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, तो जो यंग लोग हैं उनको आप प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कीजिए, तो एक यूथ डिविडेंड है, एक जवान लोगों के जो क्षमता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं, मैं अकेली नहीं हूं, लेकिन हम कई लोग ये कहते हैं कि इंडिया ऑल्सो हैज अ जेंडर डिविडेंड विच इज अंडर यूटिलाइज। ऐसी कई औरतें हैं जिनकी क्षमता को अगर आप प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करेंगे इकोनॉमी में, और कई तरह के, मतलब वो इंजीनियर, मतलब जो इंजीनियर डॉक्टर न्यूक्लियर साइंटिस्ट फलाना, ये भी हो सकता है,
क्रिएटिव कोई हो, मतलब कोई नए टाइप की इंडस्ट्रीज शुरू कर सकते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में, मतलब तमाम किस्म के जो ऑक्यूपेशन जो मर्द कर सकते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं, लेकिन वो पनपने का मौका ना देने की वजह से वो जो पूरा टैलेंट पूल है वो तो आपने यूटिलाइज ही नहीं किया ना, पूरा नहीं कहूंगी मैं लेकिन काफी हद तक अंडर यूटिलाइज। तो जो महिलाओं का टैलेंट पूल है वो अंडर यूटिलाइज है, उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत हो सकती थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके देश में वो टैलेंट है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ा कॉस्ट है। तो जो हम पॉपुलेशन देख करके एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इतने ज्यादा लोग हैं तो इतना जीडीपी है वो तो बनेगा ही, पर उसमें आधे लोग कम कर दिए तो एक तरह से हमने अपनी आधी अपॉर्चुनिटी हटा दी। हाँ, मतलब पूरा आधा भी नहीं कहना चाहिए, मैं यहीं बैठी हूं, पूरा तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि औरतें बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन उस आधे का जो जितना होना चाहिए उस आधे में ऐसी कई औरतें होंगी जो कि आज अगर उनको मौका मिलता पनपने का तो आज वो कहां कहां होती, लेकिन वो नहीं है वहां पे क्योंकि उनको कभी वो मौका ही नहीं दिया गया पनपने का। और कई औरतों के साथ ऐसा भी हुआ है, जैसे कि पिछला एक दशक हम देखें हिंदुस्तान में तो औरतों की जो शिक्षा जो शैक्षिक जो उनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उनकी उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर इतना सब पढ़ पढ़ा के बाद में शादी करके घर में ही बैठना है तो आपने सीखा भी, कई औरतें तो सीख भी नहीं पाती हैं और कई और औरतें जो है वो सीख पाती हैं लेकिन आगे उनकी जो जो पढ़ाई है उसका कोई उनको सिला नहीं मिलता है, तो वो फिर पढ़ाई एक तरह से बेकार, मतलब बेकार गई ऐसा नहीं कहूंगी मैं, लेकिन एक उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था जो कि नहीं हो पाता है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। बाकी और तरीके भी हैं कॉस्ट, कई लोग वो करते हैं कि अगर औरतें जो सारा घर का काम करती हैं उसमें अगर हम एक आर्थिक मूल्य लगाएं तो कितने ट्रिलियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट औरतें काम करती है फ्री में, जो कि अगर आपको किसी को देना पड़ता पैसा तो आप इतने ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी को देना पड़ता, वो भी एक तरीके से दे तो नहीं रहे ना एग्जैक्टली पैसा दे तो नहीं रहे तो उसको दे नोशनल नंबर, वो नोशनल नंबर है, तो वो भी एक है काम, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कॉस्ट इंडियन इकोनॉमी और इंडिया जैसे कई इकोनॉमी जिसमें औरतों को समान दर्जा नहीं दिया जाता है कई कई सारे फील्ड्स में, सबसे बड़ी कॉस्ट ये है, फोरगॉन जीडीपी दैट इंडिया कुड हैव अर्न्ड बट इट डज नॉट बिकॉज ऑफ द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन। बिल्कुल हाँ, वही तो हम लोग जैसे बात करते हैं कि ये जो हमारा गणतंत्र है उसका क्या उद्देश्य है, एक तो है कि हम लोग योगक्षेम की ओर जाना चाहते हैं, मोर पीस मोर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आए सब लोगों को, और अगर इतने बड़े तबके के लोगों को हम लोग ये मौका नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग कैसे और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं, शायद उस तरीके की ओर जा रहे हैं। तो अब आपने जब जैसे बात की कि मौका नहीं दिया जा रहा है तो इसको समझने की और कोशिश करते हैं, तो हम लोग अक्सर ये नंबर सुनते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसके तो कई आर्टिकल है, मतलब आज कोई भी पढ़ ले तो कहते हैं कि ऐसे बाथटब कर्व होता है और अगर इकोनॉमी बुरी हालत में होती है तो शायद और औरतें काम करने लग जाएंगी, ऐसे और वगैरह वगैरह बहुत सारे थियरीज हैं, लेकिन ये आपने जैसे लिखा है एक पेपर में कि जो जितनी औरतें हैं वो काम कर रही हैं वो कम हो गई हैं ऐसा नहीं है, बल्कि जितने घंटे वो काम कर रही है शायद वो कम हो गया, तो ये थोड़ा समझाइए ना, ये WLFPR है क्या, ये क्या मेजर करता है एग्जैक्टली और इसमें क्या प्रॉब्लम्स है जो आपने अपने रिसर्च से पता किए? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये है कि लगभग 15 से 60 या 15 से 65 की उम्र के, जिसको इसको वर्किंग एज ग्रुप माना जाता है, या 15 से ऊपर 65 का ऊपर वो भी ना लगाएं, लेकिन कन्वेंशनल है कि 15 से 65 के एज ग्रुप के लोग में कितने लोग या तो किसी कोई आर्थिक काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को हम कहेंगे कि वो लेबर फोर्स में हैं। उसमें से कुछ लोग एम्प्लॉयड होते हैं लेबर फोर्स में दोनों की गिनती होती है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब ये है कि आपके पास अभी काम नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं और आप काम ढूंढ रहे हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में आप अगर कोई देखो कोई रिटायर हो गया तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, वो कहेगा नॉट वर्किंग, क्योंकि उसने काम कर लिया अब वो रिटायर हो गया, उसको वो नहीं ढूंढ रहा है काम, है ना। तो अनएम्प्लॉयड और आउट, और वो आउट ऑफ द लेबर फोर्स, या कोई छोटा बच्चा है
वो आउट ऑफ द लेबर फोर्स है, क्योंकि वो कोई काम नहीं ढूंढ रहा है, या किसी और कोई विकलांग है, या किसी वजह से वो काम नहीं ढूंढ रहा है, तो वो अलग हो गए, पेंशनर्स हुए वगैरह वगैरह, बुजुर्ग लोग हुए एटसेट्रा। तो 15 से 65 की उम्र के व्यक्तियों में जितने परसेंट लोग या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं, उनको हम कहेंगे लेबर फोर्स। तो मान लीजिए 100 लोग हैं 15 से 65 के बीच में, उसमें से 30 लोग या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे 30% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ये इतनी मोटी बात है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब आपको लगता है कि नौकरी, या नौकरी छोड़िए काम, कोई भी आर्थिक काम मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ना आपको नौकरी मिलेगी, ना आप कहीं बैठ के कोई ठेला लगा लिया या कुछ, वो भी नहीं हो पाएगा। तो जब ये NSS और ये सारे सर्वेयर्स आपके पास आते हैं पूछने के लिए कि क्या आप काम करते हैं या आपने काम किया, तो वो तीन टाइम पीरियड्स के हिसाब से पूछते हैं। पिछले साल में, जिसको आप यूजुअल स्टेटस कहते हैं, मेजॉरिटी टाइम, क्या पिछले 365 दिनों में आपने मेजॉरिटी टाइम काम किया, या पिछले हफ्ते आपने काम किया, इसको कहते हैं वीकली स्टेटस, या कल आपने काम किया, इसको कहते हैं डेली स्टेटस। ठीक है, तीन तरीके के होते हैं, और इसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। मतलब अगर मैंने पूरे साल काम किया तो कल भी मैंने काम किया था, और मतलब जैसे मेरी नौकरी है वो पूरे साल की है, तो अगर मेरे पास कोई रहेगा मैं कहूंगी कि हाँ मेजॉरिटी स्टेटस से भी मैं हूँ, वीकली स्टेटस से भी मैं एम्प्लॉयड हूँ, और डेली स्टेटस से भी मैं एम्प्लॉयड हूँ। लेकिन कई लोग, पर कल तो संडे था। नहीं नहीं, वाज आई एम्प्लॉयड यस्टरडे, काम किया मतलब क्या मैं एम्प्लॉयड थी। हाँ मैं एम्प्लॉयड थी कल, और एज इट हैपेंड काम इतना ज्यादा करना पड़ता है, लोगों को लगता है टीचर लोग काम नहीं करते, कल भी मैं बैठ के सर खपा रही थी और काम कर रही थी। लेकिन वो मतलब वो नहीं है कि काम किया मतलब क्या आपकी नौकरी थी कल, दैट इज व्हाट इट मींस। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मेरा यूजुअल स्टेटस, वीकली स्टेटस, डेली स्टेटस सब एक ही है, तीनों का जवाब एक है। लेकिन भारत जिसमें बहुत इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसमें बहुत ज्यादा है, इसमें अलग अलग जवाब अलग अलग हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि पूरे साल किसी को काम ना मिला हो, लेकिन कल मैं जब वहां था चौक पे जाके खड़ा हुआ, मैं पेंटर हूँ, कल मैं जाके चौक पे खड़ा हुआ तो कल मुझे किसी ने ले लिया काम, लेकिन पिछले हफ्ते हो सकता है किसी ने ना लिया हो। तो यूजुअल स्टेटस, वीकली स्टेटस, डेली स्टेटस, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। हम जैसे लोगों के लिए अक्सर नहीं होता है, लेकिन जितना ज्यादा आप इनफॉर्मल इकोनॉमी में होते हैं उसमें ये फर्क पड़ता है। औरतों के साथ क्या है कि बहुत सारी औरतें जो फैमिली के जो आर्थिक गुजारा करने के जो साधन है, यानी कि अगर फैमिली खेती बाड़ी करती है, या किराने की दुकान चलाती है, या अगर वो जुलाहे हैं तो उनके पास वो हैंडलूम पे काम करते हैं, या वो आर्टिजान है, या गुड़ बना के बेचते हैं, या मछली का पालन करके मछली बेचते हैं, या फल बेचते हैं, ये सारे उस परिवार के कमाने का जरिया है, लाइवलीहुड एक्टिविटीज है। और ये लाइवलीहुड जो फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस जिसे कहते हैं, उसमें जो उन घरों की जो औरतें हैं वो डेफिनेटली काम करती हैं, लेकिन उन औरतों की नजर में ये काम उनके घर के काम जैसा ही है। मतलब बच्चों को भी देख लिया, खाना भी बना लिया, और वहां जाके खेती बाड़ी भी कर ली थोड़ी बहुत, या दुकान पे भी बैठ गए 2 मिनट, या मछली वो चारा, वो जानवर है घर में उनको चारा देना है। लाइफ स्टॉक का काम तो सारी औरतें करती हैं, लेकिन लाइफ स्टॉक से जो अर्निंग्स हैं वो तो फैमिली की हुई, लेकिन उन औरतों की नजर में भी वो अपने आप को वर्कर नहीं मानती है, और परिवार के नजर में भी वो वर्कर नहीं। तो जब वो NSS का इन्यूमरेटर आता है और पूछता है कि आपकी औरत क्या नौकरी करती है, बोलते नहीं नहीं करती, क्योंकि नौकरी नहीं होती वो एक्चुअली, वो आप घर के ही लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस पे आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए ना तो उनको कुछ मिलता है। मतलब ये नहीं कि जैसे आप परिवार में जो उसकी जो आमदनी होती है उसमें उसको बराबर हिस्सा नहीं मिलता है औरतों को, कि चलो तुमने भी उतनी मजदूरी की, मैंने भी की, चलो आधा आधा बांट लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। और बल्कि अगर वो औरत बाय चांस बाहर जाके आशा वर्कर है या स्कूल में टीचर, बल्कि उसकी जो तनख्वाह मिलती है वो भी उसको काफी हद तक घर में दे देनी पड़ती है। वो नहीं कह सकती कि चलो जी आज मुझे तनख्वाह मिली तो जब मैं जाके साड़ी खरीद के आती हूँ, ऐसे नहीं होता है। बल्कि एक एक चूड़ी खरीदने में ही औरतों को गिल्ट महसूस होती है कि ये पता नहीं, ये तो परिवार का पैसा है। तो ये नोशन कि औरत अपनी मेहनत दे रही है उस एंटरप्राइज के सक्सेस के लिए, बट शी डजंट गेट कॉल्ड अ वर्कर एंड शी डजंट गेट अ शेयर इन द अर्निंग्स, सो शी इज नॉट काउंटेड एज अ वर्कर। और जिसे हम अंग्रेजी में अनपेड वर्क कहते हैं, ये वो अनपेड वर्क है, बट दिस इज इकोनॉमिक वर्क। ये वो काम है
वाई इज इट इकोनॉमिक, क्योंकि कल को अगर वो औरत ना करे और उसके बदले उनको किसी को एम्प्लॉय करना पड़े तो उस व्यक्ति को पैसा देना पड़ेगा ये काम करने के लिए। ये घर में बच्चे संभालने वाली बात नहीं है ये, हालांकि वो भी बहुत जरूरी काम है, लेकिन ये कन्वेंशनल इकोनॉमिक वर्क है विच डजंट गेट काउंटेड, पहली बात ये। दूसरी बात ये है, जब बाहर आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि ज्यादा काम मिलने की उम्मीद नहीं है तो औरतें अक्सर लेबर फोर्स से हट जाती हैं, वो ढूंढती नहीं रहती हैं, उनको लगता है अब नौकरी मिलने का तो नहीं, कुछ काम तो मिलेगा नहीं, तो वो कहती है नहीं बहुत हो गया नहीं करेंगे काम। तो ये भी सच्चाई है कि जैसे विमेन टेंड टू डिक्लेयर देमसेल्फ नॉट एज अनएम्प्लॉयड बट एज आउट ऑफ द लेबर फोर्स, हम नहीं ढूंढ रहे हैं काम, बल्कि मर्द अक्सर ये कहते हैं हाँ हम ढूंढ रहे हैं काम, काम नहीं है ढूंढ रहे हैं। थोड़ा एक सोशली एक्सेप्टेबल भी है, आदमियों के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सोशली बोलना कि मैं काम नहीं ढूंढ रहा हूँ, पर औरत बोल सकती है कि नहीं चलता है, तो वो गेट शील गेट काउंटेड एज आउट ऑफ द लेबर फोर्स नॉट एज अनएम्प्लॉयड, जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा बन सकता है। आपने इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने लेबर मार्केट की बात करी और हिंदुस्तान में ऐसा अक्सर होता है, खासकर जो दहाड़ी मजदूर होता है, काफी बार ऐसी जगह होती है, हमने कहा चौक पे ऐसे जगह होती है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, आप सुबह जाते हैं और आप ढूंढ सकते हैं कि मेरे को 10 लोग चाहिए काम करने के लिए और आप वहां से, लेकिन ऐसी जगहों पे औरतें नहीं होती, सवाल ही नहीं पैदा होता वही तो। दूसरी बात जो मेरा एक रिसर्च ये भी ये दिखाता है कि घर के सारे जो कामकाज है, मतलब मैं आर्थिक ये काम नहीं बताता, अब मैं दूसरे काम बता रही हूँ, जो खाना बनाना, बच्चों को संभालना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, फलाना, पानी लाना, और एलपीजी गैस कितने घरों में, अब तो खैर सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ गई कि जिनके पास था भी उन्होंने भी अब इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो चूल्हे के लिए ईंधन लाना, ये सारे काम औरतें करती हैं। तो ये सब करने के बाद कौन औरत खड़ा हो सकती है वहां, खड़ी हो सकती है चौक पे कि मुझे काम पे लो, 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम करना इम्पॉसिबल है। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि अगर वो उस तरह का दिहाड़ी का काम बाय चांस अगर औरत के लिए है भी, तो ये सब काम करने के बावजूद वो कैसे करेगी वो काम। हाँ बिल्कुल, और वो अक्सर देखा है कि काम कैसे संभालेगी, हाँ दोनों संभालना, और पार्ट टाइम बड़ा मुश्किल होता है काम मिलना, कि मैं 4 घंटे के लिए, मेरे पास 4 घंटे हैं, तो एक तरह से मार्केट भी थोड़ी सी, जो बाजार है वो भी थोड़ा ब्रोकन है, अगर वो मैकेनिज्म थोड़े हो कि नहीं मैं सुबह घर का काम करके शाम को 4 घंटे हैं मेरे पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगा टाइम वैसा करने का। एग्जैक्टली, मतलब आपको जब टाइम मिलता है उसी वक्त वो काम भी होना, काम भी होना चाहिए, बिल्कुल उसी वक्त आपके घर वाले भी आपको, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कई बार होता है गांव की औरत है, ग्रामीण औरत है, हो सकता है कि जिले का जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है या तालुका जो थोड़ा बड़ा टाउन होता है वहां हो सकता है कोई काम हो भी, लेकिन वो गांव से वहां तालुका जाएगी कैसे, बिल्कुल कोई बसें हैं कुछ, वो जो छक्को वो जो रिक्शा टेम्पो और ये सब होते हैं, टेम्पो ठूस ठूस के सब आदमी, कौन औरत बैठेगी उसमें, सारे औरतों के आदमियों के बीच में से ठूस ठूस के ऐसे, तो ये सारी इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस हैं। और कभी इस पे किसी ने गौर ही नहीं किया कि शायद हम छोटी छोटी चीजें अगर ये बदलना शुरू करें तो हो सकता है कि औरतें, और जो औरतें करती हैं जैसे आशा वर्कर्स देखिए, सारी औरतें हैं, और इस कोविड के दौरान तो हमने देख लिया कि अगर आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और ऐसी ये आपकी आशा आंगनवाड़ी और तीसरी कौन है, तीन दीदियां जो आंगनवाड़ी होती है, आईसीडी, हाँ आईसीडीएस आंगनवाड़ी हुई, और एनीवे तो गांव, मतलब जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्क, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑक्सिलरी नर्सेज एंड मिडवाइव्स, ANM, तो ANM, आशा और आंगनवाड़ी, ये तीन दीदियां का कहलाई जाती है गाँव में, ये तीनों औरतें हैं, और पहले किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये औरतें कितना महत्वपूर्ण काम करती हैं हमारे देश के पूरे आर्थिक कह रही हूँ हेल्थ रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका ढांचा जो जिस पलबूते पे खड़ा हुआ है वो ये तीन है, ANM, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स। उनको क्या तनख्वाह मिलती है, उनकी तनख्वाह 3-4 हजार रुपया महीना है, और उनको बोनस मिलता है जो कि दिया नहीं जाता आजकल, अभी भी आशा वर्कर्स ने कई बार स्ट्राइक किया और कोविड में, तो इतनी ज्यादा जोखिम वाला उनका काम था, कई जगह पे उन पे हमला भी हुआ कि आप कोविड के घर से आई हैं, उनके घर वालों ने उनसे बात करना बंद किया, मतलब इतनी जुझारू ये औरतें और इतनी मेहनत का काम करती हैं, तो जब औरत बाहर जाके कर भी रही है तो आप उनको क्या मोल देते हैं, क्या मोल है काम का उनके, जीरो। तो एक तो यह है कि काम मिलता नहीं है, दूसरा जब मिलता है और औरतें करने को तैयार हैं और ये उनकी मतलब डेडिकेशन है टू द ड्यूटी कि वो लगी रहती है बेचारी, करती रहती है, और अगर आशा वर्कर्स कल को काम करना बंद कर दे तो पता चलेगा हमें कि क्या, मतलब घुटनों के बल आ जाएगा हमारा
हेल्थ केयर सिस्टम, लेकिन रिकग्निशन नहीं है उनके काम का. मतलब सरकारी मुलाजिम को मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, महीना में 16,000 रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए उनको. 3,000 रुपए तो मिनिमम वेज से भी कम है. हाँ, मैक्सिमम 6,000 मैक्सिमम. मगर 6,000 भी क्या है, कुछ नहीं है. तो ये है. तो ये अब समझ में आया. एक तो जो घरेलू श्रम है उसको श्रम ही नहीं मानते, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है. और जो श्रम कर रहे हैं फैमिली एंटरप्राइजेस में वो अवैतनिक हो जाता है, उसको पे भी नहीं कर रहे हैं. तो ये दो टाइप के डिविजन है. तो इसमें और प्रणय अवैतनिक ही नहीं, एक अवैतनिक हो सकता है घर में पुरुषों के लिए भी है, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि मैं काम करता हूं और जब आप पूछेंगे तो वो लेकिन काउंट नहीं होता. हो सकता है आदमियों का काउंट होता है, क्योंकि जो भी उनको आमदनी मिलती है उस मतलब जो भी एंटरप्राइज उनका है उसे कुछ ना कुछ तो खर्चा मतलब आ ही जाता है ना. तो जो भी पैसा मिलता है उनके काम काज से वो तो आदमी लोग ही तो रखते हैं अपने पास, वही तो तय करते हैं कि क्या होगा, किसको मिलेगा, चाहे किसान हुआ चाहे वो तो आपने जैसा बोला, वो तो चाहे औरत अलग से भी कमा के लाए उसके हाथ में नहीं रहने वाला है. तो वो किसके हाथ में है खर्च करना, ये शायद अलग बात है. वो अलग, वो तो एक बहुत उससे भी बड़ा सवाल. तो अभी हम लोग जैसे अखबारों में पढ़ रहे हैं कि भारत में जो WLFPR है वो इतना कम हो गया है, सऊदी अरेबिया के बराबर हो गया है वगैरह वगैरह. तो ये इस मामले में भारत एक अपवाद है क्या? और अपवाद है अगर तो क्या दूसरे देशों का अनुभव क्या रहा है? जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती है ये टाइप का जो गैप है ये कम हो जाता है क्या? इसके ऊपर क्या शोध कहता है हमें? पहली बात तो वो जो सऊदी अरेबिया वाली फिगर है वो मैं नहीं मानती हूँ पर्सनली, बहुत सारे लोग मानते हैं, इसलिए मैं एक अपवाद मानी जाऊंगी इस मामले में. मतलब मैं और हम कुछ लोग हैं जो हम नहीं मानते. ज्यादातर लोग मानते हैं कि औरतें जो हैं इतना ज्यादा कल्चरल मतलब कंजर्वेटिज्म इतना बढ़ गया है, दकियानुसी विचारधारा इतनी बढ़ गई है कि उस दकियानुसी विचारधारा के तहत सारी औरतें घर में बंद पर्दे में बैठी हुई हैं. मैं इस बात को मानने से इनकार करती हूँ. जो हो ये रहा है कि 2011 से जो शुरुआत हुई है, 2014 से लेके तो और बढ़ गया है. जो हमारे अर्थव्यवस्था की जो रेट ऑफ ग्रोथ है, बढ़ने की जो क्षमता है, वो धीरे 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 कम 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 होती जा रही है. कोविड में तो और कम हुई, लेकिन ये जो गिरावट है रेट ऑफ ग्रोथ में, ये कोविड से पहले ही शुरू हो गई थी. जब अर्थव्यवस्था का इंजन धीरे चलता है, इसका मतलब नौकरियां कम, मतलब काम के मौके कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना. तो उसमें जो मैंने पहले बात बताई कि जो औरतों को अगर पहले कोई उम्मीद थी मिलने की, वो भी धीरे धीरे कम हो गई. तो औरतें काम करती हैं, लेकिन उनके काम का ड्यूरेशन कम कम होता जा रहा है. तो पहले अगर कम से कम 20 दिन लगातार कुछ काम मिल जाता था, अब चाहे एक दो दिन यहाँ मिलेगा, 2-3 दिन वहां मिलेगा, कुछ घंटे इधर मिलेगा, कुछ घंटे उधर मिलेगा. तो उनके काम को जब गिना जाता है, तो ये मैंने 3 मेजर्स आपको बताया, कई बार उन मेजर्स में वो काम कैप्चर नहीं हो पाता है. तो वो औरत पहले भी काम करती थी और अभी भी करती है, लेकिन पहले वो ज्यादा काम करती थी, वो वर्कर कई काउंट हो जाती है. हालांकि उस वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं था, 30% से ज्यादा कभी भारत का LFPR नहीं आया, क्योंकि ये अनपेड जो इकोनॉमिक वर्क है ये शुरू से ही रहा है. लेकिन अभी जो मेरा एक रिसेंट पेपर है मेरे PhD स्टूडेंट जितेंद्र सिंह के साथ, तो उसमें हमने ये एक नया डेटा सेट हमने एनालाइज किया. उसमें हमने देखा कि 4 साल का पीरियड हमने खाली एनालाइज किया, मतलब 4 साल में ना कोई विचार भी ऊपर से, मतलब ये सारे जो सोशल नॉर्म्स है, कोई 4 साल में इतना ऊपर नीचे नहीं होता है. लेकिन उस 4 साल के पीरियड में हमने देखा कि और एक वही औरत, क्योंकि इस डेटा सेट का फायदा ये है कि उसी औरत को हम 4 साल तक देख सकते, सेम वुमन. तो हमने देखा कि वही औरत कई बार कभी काम करती है, कभी नहीं करती है, कभी एम्प्लॉयड है, कभी अनएम्प्लॉयड है, कभी एम्प्लॉयड है, कभी आउट ऑफ द लेबर. तो ये कैसे हुआ? अगर घर में इतना ज्यादा ऑपोजिशन था, तो फिर उसने बीच में एक बार कैसे काम किया? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार. तो ये एंट्री एंड एग्जिट बार बार कैसे होता गया, इससे हमें ये लगता. और हमने और सारे एक्सप्लेनेशन हमने उसमें जांच के देखे, मदरहुड, मैरिज, ये वो सारा जो मतलब जो मानते हैं लोग कि भाई माँ बन जाती औरत तो काम नहीं कर पाती है, ये वो सारा हमने देखा. लेकिन वो सारे एक्सप्लेनेशन नहीं हमें डेटा में नजर आए. तो हमारा एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एंट्री एंड एग्जिट बार बार इसलिए हो रहा है कि जब काम मिलता है तो औरत करती है. काम ही मिलना कम हो जाता है, हो गया है. नंबर ऑफ डेज दैट शी वर्क्स इज लेस नाउ. तो वो कई सारे डेटा सेट्स में वो कैप्चर नहीं हो पाता है काम जो वो कर रही है. तो जैसे हमारे डेटा सेट में भी एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट औरतों का 14.5% है, लेकिन अ वुमन हु वाज एटलीस्ट वंस इन द लेबर फोर्स इन दिस 4 इयर्स इज 44%. यही औरतें सारी,
मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ी क्रांति हो गई और 44% पहुंच गया, ऐसा नहीं है। यही औरतें कम से कम एक वे, जो ऐसी औरतें जो कंसिस्टेंटली पूरे 4 साल काम करती थी, दैट वाज 14% 14.5%। लेकिन कम से कम एक वेव में उन्होंने काम किया, ऐसी 44% है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है नंबर में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये जबकि जो क्वेश्चनर है वो काफी स्ट्रिक्ट है, वो सिर्फ डेली स्टेटस पूछता है, मतलब कल आपने काम किया कि नहीं, कल आप एम्प्लॉयड थे कि नहीं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन। बहुत कम लोग हिंदुस्तान में ऐसे जो कह सकते हैं कि हाँ कल मैं एम्प्लॉयड था। हालांकि हम लोग उस तबके से हैं जो कि ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म जिनके पास नौकरी है, लेकिन हम बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि हम इस तबके में हम लोग हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी लोगों का जैसे हम जानते हैं दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो आज नौकरी है, आज काम है तो कल था, इसकी कोई गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। लेकिन इस तब इस वेरी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बावजूद हम देखते हैं कि पूरे टाइम लेबर फोर्स में 14.5% थी और एटलीस्ट वंस इन द लेबर फोर्स 44%। तो मैं नहीं मानती कि ये, तो लेकिन इसका असर आदमी और औरतों पे अलग अलग कैसे पड़ता है डॉक्टर देशपांडे जी की? जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन तो दोनों की ही खराब हुई, लेकिन बिल्कुल, और इसलिए और आदमियों के भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, बड़ा है, तो, लेकिन औरतों का बहुत ज्यादा बड़ा उनके अनुपात में ना, क्योंकि औरतें जो है, एक तो मैंने जैसे पहले बताया कि अपने आप को अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर बहुत कम करती हैं, मतलब काम मिल गया तो करेंगी और काम नहीं मिला तो बोलेंगे नहीं हम नहीं ढूंढ रहे, तो वो आउट ऑफ द लेबर फोर्स क्लासिफाई हो जाती है। ठीक, जबकि और आदमी के रिमेम्बर LFPR में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी LFPR का हिस्सा है। हाँ, आपको ढूंढना भी है ना। हाँ, तो और अगर आदमी को काम आज नहीं है लेकिन वो कह रहा है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, तो वो LFPR में माना जाएगा। लेकिन अगर औरत कह रही कि नहीं मैं नहीं ढूंढ रही हूँ, तो मैं नहीं मानी जाऊंगी। एक तो ये फर्क, एक तो मेन फर्क ये। दूसरी बात ये कि अगर एक गांव, छोटा गांव सोचिए, उसमें थोड़े बहुत साधन है, थोड़ा खेती बाड़ी का काम है, थोड़ा एग्रीकल्चर, थोड़ा नॉन एग्रीकल्चर, अगर काम के जरिए कम है तो हमेशा आदमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। घर में आप सोचिए, अगर कम मात्रा में काम बाहर मिल रहा है तो औरत बाहर जाएगी और आदमी बाहर जाएगा। या जो एक माना जाता है ना कि अच्छा मतलब मैं चूड़ियां पहन के घर में बैठूं, तुम बाहर जाओगी। एक वो मेल ब्रेड विनर वाला एक होता है ना कि मेल ईगो भी होता है कि मतलब इतनी ज्यादा लानत है मुझ कि मैं तुम्हें खाना भी, मतलब परिवार को खाना देना ये एक आदमी का कर्तव्य माना जाता है। और उससे वो अगर ये, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, सारे देशों में ऐसे। तो अगर आदमी नहीं कर पाया तो इसमें कुछ कमी रह गई, मतलब जैसे ठीक है ना, अभी भी हाउस हस्बैंड या इसको कोई मान्यता नहीं मिलती है, इतनी बहुत अजीब माना जाता है कि अच्छा तुम चूड़ियां पहन के घर में बैठ गए। ये कहा जाता ना सर औरतों को कि तुम चूड़ियां पहन के घर में बैठो। बिल्कुल है ना। तो जैसा आपने कहा है, तो हम लोग जैसे समझते हैं ये डिमांड साइड प्रॉब्लम ज्यादा है सप्लाई साइड प्रॉब्लम की वजह से। जैसे सप्लाई साइड में हम लोग कह सकते थे अरे हमारे दकियानुसी विचार है इस वजह से ऐसे हो रहा है, लेकिन आप कह रही हैं कि ये डेटा सेट से कह रहा है शायद डिमांड ही कम हो गई है और उसका डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट विमेन पर पड़ा है। हाँ नहीं, बाय द वे सप्लाई साइड फैक्टर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने एक सप्लाई साइड फैक्टर आपको बताया कि घर का काम, घरेलू कामकाज करना खुद या करवाना, आइदर वे ये औरतों की जिम्मेदारी होती है, या तो वो खुद करें या करवाएं किसी और से, और वो करवाने वाले वो भी औरत ही होती है। या तो मैं खुद करती हूँ या मेरे घर में जो काम मुझे मदद करने वाली है, मैं आपसे बात कर रही हूँ वहां पीछे कोई काम कर रहा है रसोई में, वो भी औरत ही है, या मुझे जाके करना पड़ेगा, मतलब आइदर वे औरतों को ही करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सप्लाई साइड फैक्टर है जिसकी वजह से कई बार औरतें नहीं कर पाती हैं दोनों। अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात लीजिए, कोविड के दौरान स्कूल बंद रहे वहां पे, अब जाके खुलने शुरू, स्कूल बंद रहे, बहुत सारी औरतों को निकाला नहीं गया काम से, वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती थी, लेकिन बच्चे भी घर में थे, उनकी स्कूल होम स्कूलिंग भी घर पे ही हो रही थी, सारे बच्चे भी कंप्यूटर पे बैठ के वो पढ़ाई कर रहे थे, उनका होमवर्क कराना है, उनकी सारी एक्टिविटीज करानी है। बहुत सारी औरतें ये इस प्रेशर के पीछे टूट गई बिल्कुल, क्योंकि उनसे दोनों नहीं हो पाया, और ये उनमें कमी नहीं है, ये इट्स जस्ट द वॉल्यूम ऑफ इट कि दो बिलखते चीखते बच्चों को भी देखो, अपना काम भी देखो, उनका होमवर्क भी देखो, घरों में बंद, बाहर बीच में तो बिल्कुल बाहर जाना भी जब बंद था, और वहां पे हालांकि काफी हद तक आदमी लोग घर में काम करते, लेकिन बच्चों को संभालना अभी भी माँ का ही काम ज्यादा
हद तक। अब पिताजी लोग हैं, बच्चों को बाहर लेके घूमने ले जाएंगे, लेकिन घर में जो बैठ के उनको होमवर्क कराना, उनका काम कराना, उनका ये, उनको रोना धोना, उनका ये वो सारा देखना अभी भी औरत का ही काम माना जाता है अमेरिका जैसे देश में भी। तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल निकला, इन द कोविड इकोनॉमी यू कैन ईदर हैव अ जॉब और चिल्ड्रन, यू कांट हैव बोथ। तो ये हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का कुछ खास एक और अलग प्रॉब्लम है। हाँ, ये उसके मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हैं। जैसे वहां पे काफी हद तक आदमी और औरत घर के अंदर मिल बांट के काम करते हैं, जो कि अभी भी हम हिंदुस्तान में बहुत कम देखते हैं। तो ये लेवल का फर्क तो है, लेकिन कई मामलों में चाइल्ड केयर जो है वो औरतों का ही एक काम है। यहाँ पे तो चाइल्ड केयर नहीं, और भी चीजें, बर्तन भी धो, झाड़ू भी लगाओ, कपड़े भी धो, ये भी करो, वो भी करो, ये भी बहुत सारे काम है। तो सप्लाई साइड फैक्टर्स भी हैं, लेकिन हमारा डेटा ये दिखाता है कि उन सारे सप्लाई साइड फैक्टर्स के बावजूद जब औरतों को काम मिलता है वो करती हैं और करना चाहती हैं। क्योंकि ये सप्लाई साइड फैक्टर तो पिछले 10-20 साल में चेंज थोड़ी हुए, वो तो वो जो है वो है ही, कॉन्स्टेंट है कई सालों से सेम चल रहे आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि LFPR कम हो रहा है, तो ये दूसरी वजह से हो रहा है, ये सप्लाई साइड से नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, ये हमारा मानना है ये, हालांकि लेकिन ये मेन अंडरस्टैंडिंग लोगों की नहीं है, लोग अभी भी सप्लाई साइड लोग सोच रहे हैं सप्लाई साइड चेंज हो रहे हैं। लोगों ने ये अटकल नहीं लगाई, जैसे हमने भी लगाई थी पिछले एपिसोड में, नहीं हो सकता है वो भी है नहीं, एंड टू बी फेयर मे बी इट इज चेंजिंग बट वी डोंट नो दैट येट। राइट, हो सकता है 10 साल बाद अगर हमारी मुलाकात हो तो हो सकता है तब तक सप्लाई साइड फैक्टर्स काफी, पता नहीं है भारत का क्या होगा आगे, हिंदुस्तान का जो आगे जर्नी है, लेकिन कल को सप्लाई साइड फैक्टर्स उस हद तक चेंज हो भी सकते हैं, मैं उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त कंस्ट्रेंट डिमांड की है। राइट, एकदम शॉर्ट टर्म में तो हम बोल ही सकते हैं, कोई एक दिन में थोड़ी सोच बदलती है वो, कि ना जो है वो है। और मैं बोलूंगा प्रणय, तुमने सप्लाई और डिमांड बोला और उसको जो कनेक्ट करने के फ्रेमवर्क्स हैं वो भी आई थिंक डॉक्टर देशपांडे ने बोला इंपॉर्टेंट है, कि सप्लाई भी हो सकती है डिमांड हो सकती है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रही, तो मार्केट मैकेनिज्म और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आदमी लोग, जैसे तुम माइग्रेशन देख लो, हिंदुस्तान में इतना माइग्रेशन है जॉब की वजह से, यानी जॉब है, लोग हैं, माइग्रेशन है ना जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, लेकिन सिंगल वुमेन कितनी माइग्रेट करती हैं, औरतें आदमियों के साथ माइग्रेट करती है ना यूजली। नहीं, लेकिन बाय द वे हाँ ये बात सही है कि औरतें आदमी ज्यादा करते हैं, औरतें ज्यादातर हस्बैंड्स के साथ या मैरिज रिलेटेड, बट यू विल बी सरप्राइज कि 2001 और 2011 सेंसस में अगर आप देखें तो वुमेन माइग्रेटिंग फॉर रीजंस अदर देन मैरिज हैज सीन अ ह्यूज इंक्रीज। अच्छा, तो increase. ये हो रहा है एटलीस्ट। हाँ, हो रहा है, लेकिन किस तबके में हो रहा है? अब आप देखेंगे, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, आप लोग कहाँ रहते हैं मुझे मालूम नहीं, बेंगलोर में, लेकिन हाँ। दिल्ली में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु से, बंगाल, बहुत बिहार तो कह रहे हैं, लेकिन झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, ये तीन मतलब क्या कहते हैं रीजन्स ऑफ ओरिजिन, औरतें, सिंगल औरतें आती हैं टू वर्क एज डोमेस्टिक वर्कर्स इन दिल्ली होम्स। बड़ा जोखिम का काम है, बड़े बुरे हालात में आती हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है, कई सारे औरतें बेचारे क्या सोच के आती है और क्या यहाँ आके उनका क्या, उनको किस हालत में काम करना पड़ता है वो तो कह रहे एक अलग ही बात है। लेकिन आ रही है बहुत, और शादीशुदा औरतें जिनके गांव में काम ही नहीं है, ऐसी ऐसी औरतें आती जो कहती कि हमारा पति वहां है, बच्चे के साथ है, हम यहाँ आके पैसा कमाएंगे, मकान जाके फिर, मतलब मैं खुद एक औरत बंगाल से आई थी, 5 साल रही यहाँ पे, और जिनके घर में रही उनके घर में ही रही, सारा पैसा उसने सेव किया, फिर उसके 3-4 लाख रुपए हुए, उसने कहा 3-4 लाख में मैं मकान अच्छा गाँव में बना सकती हूँ, बच्चे के नाम पे मैं एक FD बना सकती हूँ। तो ये हो रहा है, मतलब सवाल ये है कि क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है और हम कई बार देखना भी नहीं चाहते हैं, तो और इन औरतों की जिंदगियां देखो तो लगता है हम क्या है, हमने कुछ नहीं किया, मतलब इतनी हिम्मत वाली और इतनी जोखिम भरी जिंदगी और उस इतने बड़े फैसले लेना, झारखंड के किसी गाँव से दिल्ली जैसे शहर आ जाना आसान नहीं है, लेकिन आती है बहुत। But this sector needs regulation. Their rights have to be protected. घरों में आती हैं, middle class के employers उनको पैसा नहीं देते हैं, exploitation होता है, अलग अलग किस्म का sexual exploitation, material exploitation, it's all, मतलब that sector of work is horrible. But people are willing to take the risk just because in the village there's nothing.
तो इससे ही जुड़ा हुआ जो आपने कहा, एक डिमांड साइड प्रॉब्लम भी है, सप्लाई साइड भी है, और डिमांड साइड शायद बढ़ गया है अभी तो। अगर और हम लोगों ने जैसे किताबें भी लिखी है, पूजा मेहरा ने किताब लिखी थी लॉस्ट डेकेड ना, कि एक पूरा दशक है जो हम लोगों की आर्थिक वृद्धि एकदम ही अटक गई है। तो अगर आर्थिक वृद्धि होगी तो कुछ हद तक ये प्रॉब्लम अपने आप सुलझ सकता है, ऐसा है कि नहीं, एक। और दूसरा, ये हिस्टोरिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं, दूसरे देशों में जो विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें वृद्धि हुई है कि नहीं जैसे जैसे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा है। और इसमें मेरे को एक हांस रोसलिंग का एक टॉक याद है, उसमें उन्होंने बोला था कि सबसे बड़ा उनके हिसाब से इन्वेंशन है वॉशिंग मशीन का, क्योंकि उसने यूरोप में औरतों को फ्री कर दिया। सही है। हाँ। तो आपको लगता है हिंदुस्तान में अभी भी वॉशिंग मशीन बन रही है खूब, लेकिन अभी हर घर में नहीं पहुंची है, खासकर जिस तबके की हम बात कर रहे हैं, शायद बिजली नहीं है तो। हाँ, दो चीजें कहूंगी मैं, एक तो ये कि आर्थिक वृद्धि से डेफिनेटली ये प्रॉब्लम कम होगी, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लेकिन जो गैप्स हैं और खासतौर पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से ज्यादा जो वेज गैप्स हैं, मतलब मान लीजिए औरतें काम करने आ भी गई लेकिन जो अर्निंग्स, मतलब लाइक विद लाइक अगर आप कंपेयर करें, मतलब मेल मैनेजर फीमेल मैनेजर, मेल फैक्ट्री वर्कर फीमेल फैक्ट्री वर्कर, मेल व्हाटएवर फीमेल व्हाटएवर, मतलब एक विद इन ऑक्यूपेशन वेज गैप किसी भी देश में मेल फीमेल इक्वालिटी नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। मतलब एवरेज ग्लोबल है, $1 अगर आदमी कमाता है तो 80 पैसे, मतलब ₹1 अगर आदमी कमाता है तो औरत 80 पैसे कमाती है उसी काम के। और ये हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री, हर देश का ये की ये वास्तविकता है। तो लेबर फोर्स, इंडिया की तो अभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का ये एक मसला है जो डेफिनेटली सॉल्व होगा ग्रोथ से। तो ग्रोथ तो होनी चाहिए, मतलब उसमें तो कोई दो राय नहीं, ग्रोथ ना होने से कुछ नहीं सॉल्व होने वाला। लेकिन ये हम ना कभी गलत फहमी में रहे कि ग्रोथ इज एन ऑटोमेटिक क्योर फॉर जेंडर गैप्स, नो। हो सकता है एक किस्म का जेंडर गैप थोड़ा कम हो जाए, जो कि मैं मानती हूँ कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का कम होगा, लेकिन वेज गैप्स का नहीं। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो एक सप्लाई साइड फैक्टर, जिस पे मेरा एक और पेपर है ऑफ दिस डोमेस्टिक चोर्स, लेकिन ये थोड़ा चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। जैसे यूरोप में भी जब औरतों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काम करना शुरू किया तब जाके घर में सोशल नॉर्म्स बदले, उल्टा नहीं होता है कभी कि पहले वॉशिंग मशीन घर आएगी उसके बाद औरत बाहर जाएगी। ओके, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई। हाँ, घर जब औरतें जब ज्यादा बाहर काम करना शुरू करेंगी तब जाके धीरे धीरे घर का जो कामकाज करने का तरीका, जब औरत घर में ही बैठी हुई है तो क्या खरीद, क्या जरूरत है वॉशिंग मशीन की, तुम धो कपड़े, मैं क्यों खरीदूं वॉशिंग मशीन जो तुम्हारा लेबर फ्री में मिल रहा है मुझे। तो लेबर सेविंग डिवाइसेस भी थोड़ा सा वो चिकन एंड एग प्रॉब्लम होता है, मतलब जैसे जैसे औरतों का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है वैसे वैसे लेबर सेविंग डिवाइसेस आती। बाय द वे, लेबर सेविंग डिवाइसेस का भी एक डबल एज, मतलब अमेरिका का शुरू शुरू का आप इतिहास देखें तो पहले वहां कपड़े रोज नहीं धुलते थे, जब वॉशिंग मशीन आई तो कपड़े रोज धुलना शुरू हुए, तो इन सम सेंस वो काम भी बढ़ गया थोड़ा सा, मतलब आपको रोज वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने पड़े। अब तो खैर दोबारा से रोज कोई नहीं धोता है वहां कपड़े, हफ्ते में एक दो बार कपड़े धुल जाते हैं। हम लोगों के घरों में एक तो गरीबी ज्यादा है तो कपड़े भी लोगों के पास कम है तो धुलने तो है ही, तो और घर खुले हैं तो धूल भी बहुत आती है तो झाड़ू पोछा रोज होता है, जबकि वहां के घरों में वो वैक्यूम हफ्ते में एक बार कर लेंगे वैक्यूम क्लीनर से वगैरह वगैरह, तो कामकाज का तरीका भी वहां बदल गया है। तो ये सब, लेकिन ये पहले क्या आया, पहले कामकाज का तरीका बदला फिर औरतें बाहर निकली, या पहले बाहर औरतें जाने लगी उसकी वजह से कामकाज का तरीका बदला, एक ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे दिमाग में कॉज और इफेक्ट अलग है। हाँ, कॉज और इफेक्ट, मतलब ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और मुझे नहीं लगता कि एक दिन ऐसे उठेंगे और सारे आदमी लोगों ने कहा चलो चलो तुम लोग बाहर जाओ मैं वॉशिंग मशीन लेके आता हूँ मैं उसमें कपड़े धो लूंगा, ऐसे नहीं होता। तो आजकल जो थोड़े बहुत जो एड्स आ रहे हैं शेयर द लोड वगैरह वॉशिंग मशीन को ही लेके आते हैं, आपने देखी होगी वो एक एड बहुत बढ़िया एक है, वो हस्बैंड वाइफ खरीदने जाते हैं और वो सेल्समैन दिखा रहा है उनको ये बटन दबाने से होगा वो, तो आदमी कहता है कि इनको बताइए ना ये यही करेंगी, तो वो कहती है कि आपके पास ऐसी वॉशिंग मशीन नहीं है जो कि जो आदमी भी यूज कर सके, आदमी यूज कर सकते, तो कहते हैं हाँ ये है ना, इसी में ये बटन कोई भी दबा सकता है, तो कहती है तो उनको कहती है दिखाइए सिखाइए। तो बहुत बढ़िया वो शेयर द लोड वाला एक वो है। तो दोनों साथ साथ है, मतलब मानसिकता बदलना भी जरूरी है और वास्तविकता बदलना भी जरूरी है, लेकिन
पहले मानसिकता बदलती है, पहले वास्तविकता बदलती है? मुझे लगता है कि पहले वास्तविकता बदलती है, तब जाके मानसिकता बदलती है। मानसिकता ऐसे नहीं बदलती है, मतलब चेंज। द मेन थिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इज दैट इट्स नॉट बिकॉज पीपल आर बैड कि चलो जी आज हम पेट्रियार्की को स्ट्रेंथन करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो लठ निकल के सड़क पे चल पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते। हमें कई बार एहसास भी नहीं होता कि हमारे जो एक्शंस हैं वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी हैं। बिल्कुल। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, मेरी, आपकी, हम सब की। तो मानसिकता तब बदलेगी जब वास्तविकता बदलने लगेगी, है ना? तो इकोनॉमिक पुश हो, और इकोनॉमिक पुश जो है वो बहुत अच्छा इंसेंटिव है वास्तविकता बदलने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूरोप में भी, अमेरिका में भी, जब औरतें, अभी जैसे मैंने वो सीरीज देखी मिल्ड्रेड पियर्स करके, एक नेटफ्लिक्स पे भी आ रही है, हॉटस्टार पे भी आ रही है, केट विंसलेट है उसमें, एंड शी प्लेज अ डिप्रेशन ईरा हाउसवाइफ, 1931 में वो स्टोरी सेट है, और उसका उसके जो पति हैं वो किसी और औरत का के साथ उनका अफेयर चल रहा, तो उनको घर से बाहर निकाल देती है। सब उनको कहते हैं तुम पागल हो, तुम मतलब बहुत गरीब नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, और वो अपने हस्बैंड से कहती कि तुम अगर उस औरत को नहीं छोड़ोगे तो तुम इस घर से चले जाओ। तो वो कहता, हस्बैंड कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ। तो लोग कहते हैं तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुमने घर में से आदमी को निकाल दिया, तुम कैसे गुजारा कैसे चलेगा? और देन शी स्टार्ट्स अ रेस्टोरेंट, पहले वो वेट्रेस का काम करने लगती है। और इतना ज्यादा स्टिग्मा है वर्किंग वुमन को लेके कि उसकी खुद की बेटी उसे नफरत करने लग जाती है, और वो छुप छुप के काम करती है, वो घर में नहीं बताती बेटी को कि मैं इस रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती हूँ, क्योंकि उसकी बेटी को, और जब उसकी बेटी को पता चलता है वो खुद अपनी माँ से नफरत करने लगती है, क्योंकि तुमने पिताजी को क्यों निकाला घर से। तो ये मानसिकता है, है ना? और फिर एक जनाब से उस औरत का भी एक इश्क वगैरह होता है, वो बाद में वो कहती है उस आदमी से, उससे भी वो ब्रेकअप हो जाता है, उससे वो कहती है कि यू डोंट रिस्पेक्ट मी बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमन, आई वर्क फॉर अ लिविंग, आई एम नॉट अ लेडी हु हैज वेल्थ एंड हु कैन अफोर्ड नॉट टू, एंड यू वर लुकिंग फॉर अ लेडी and you found a working woman, although she's an owner of 3 restaurants. So by any stretch of the imagination, she's a successful, she has become a success, but this man doesn't respect her because she works for a living. So this is 1931 America. Itni purani baat bhi nahi hai. To khair. Yeah. To bilkul, to isi se juda hua mera is segment ka aakhri sawal hai ki hum log jab sochte hain ki is, ये तो जो सिचुएशन है उसे बदलना ही चाहिए, तो जो जेंडर गैप को हमें अगर कम करना है तो इसमें हम लोग 3 स्तंभ देखे, समाज, सरकार, बाजार की ओर से, तो आपको क्या लगता है क्या योगदान हो सकता है इन 3 स्तंभों का ये जेंडर गैप कम करने में? ये 3 स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों अरीनाज में बदलाव की जरूरत है, लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज कौन पहला कदम कौन उठाएगा, है ना? तो इसमें मैं मानती हूँ कि सरकार का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, कुछ ऐसे नॉर्म्स नए बनाना या ऐसे कंडीशंस बनाना जिससे कि समाज और बाजार को विली नीली वो फॉलो करना ही पड़े। तो जब आप एक विशेष सर्कल, एक वास्तविकता बनी हुई है, उस वास्तविकता को आप बदलना चाहते हैं, तो पहल कौन करेगा? मैं क्यों करूं पहल? आप कीजिए, आप बोलेंगे मैं क्यों करूं, ये करेंगे, है ना? तो हम तीनों एक दूसरे को कहते रहे क्यों हम, ठीक है आप पहले करिए उसके बाद मैं करूंगी, और हम तीनों के इंटरेस्ट में नहीं है कि हम वास्तविकता को बदले, स्टेटस को, तभी तो स्टेटस को होता है, क्योंकि यू नो इट्स कंफर्टेबल फॉर अस, इट्स इजी टू गो अलोंग विद द स्टेटस को देन टू चेंज इट। एंड सो आई थिंक इन दिस सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज टू टेक द लीड टू एस्टैब्लिश सर्टन चेंजेस दैट विल चेंज द स्टेटस को। उसके बाद मार्केट का भी रोल है, समाज का भी रोल है, लेकिन समाज का मुझे लगता है जैसे मैंने आपको बताया, समाज की जो मानसिकता है वो धीरे धीरे बदलेगी। ऑलरेडी अब आप देखें, आप जैसे मैं सोचती हूँ, मेरी नानी दादी के टाइम का सोचती हूँ, तो मानसिकता बहुत बदली है। अब कई औरतें, लड़कियां अलग अलग किस्म के काम कर रही हैं जो कि मेरी नानी के टाइम पे कहां करते थे, एक बहुत लिमिटेड टाइप का काम हुआ होता था, लेकिन अब तो बदल गया ना, तो मानसिकता तो बदली है डेफिनेटली, और बहुत अच्छी, मतलब कई जगह पे बहुत हम दकियानुसी विचारधाराओं पर कई बार इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कई एडवांसेस भी बहुत हुए हैं। मतलब यू लुक एट वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू इंडिया ओवर द इयर्स, इट्स बीन फिनोमिनल एंड इट्स गुड, यू नो। सो इवन विद द लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स, देयर हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट वुमेन हु हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरीना।
I'm not saying it's good, but it's definitely better than what it was before, right? And before. It's also recognized. अब आज आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पे, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. आप किसी पुरुष को भी इंटरव्यू और आप जरूर कीजिए, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ औरतों को ही इंटरव्यू कीजिए, लेकिन द फैक्ट इज कि आपके पॉडकास्ट में तो बहुत सारी औरतें औरतों ने आके आपसे चर्चा की, राइट? तो कई फील्ड्स में बहुत ज्यादा प्रगति हुई भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इन तीन स्तंभों में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा पहल करने की आवश्यकता है वो है सरकार को. सरकार पहल करेगी, उदाहरण के तौर पे नौकरियों के तौर पे, अब जैसे क्राइसिस है, नौकरियां नहीं जनरेट हो रही है, अगर आप एक छोटा मोटा जो एम्प्लॉयर उसको बोले नहीं 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 आप 50% आपको औरतों को रखना पड़ेगा, उसके पास कुल 10 लोग हैं, अब 5 औरतों को नहीं ले ला पाया मान लो, तो क्या करोगे आप उसको? वो खुद उसके पास कोई मतलब ही इज अ वेरी स्मॉल एम्प्लॉयर, राइट? ही मे नॉट फाइंड 5 वुमेन, बट इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट बाय पेइंग आशा वर्कर्स. और तो हाँ, वो तो एक सबसे छोटी बात है ना, इतनी छोटी बात है, आशा वर्कर्स को मिनिमम वेज दीजिए आप, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? तो मैं ये कह रही हूँ कि सरकार एक सिग्नल कर सकती है. अब जैसे एनरेगा का ही बहुत रिसर्च हुआ है, वो ये दिखा रहा है कि जब एनरेगा में आप मिनिमम वेज पे लोगों को नौकरी, चाहे वो मैनुअल लेबर हो, लेकिन न्यूनतम वेतन पे औरतों लोगों को एनरेगा में काम मिलता है, उसकी वजह से लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है कि अगर यहाँ पे मुझे न्यूनतम वेतन पे काम मिल रहा है तो आप भी मुझे न्यूनतम वेतन. मेरा खुद का एक पेपर है जिसमें ये हमने ये दिखाया है कि जो और निचले तबके हैं, मतलब दलित आदिवासी तबके हैं, उनकी अपेक्षा और बढ़ गई है, मतलब व्हाट दे कंसीडर रिम्यूनरेटिव अर्निंग्स हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ एनरेगा, बिकॉज नाउ दे सी मिनिमम वेज बीइंग गिवन. तो एक सरकारी प्रोग्राम में मैं नहीं कह रही हूँ कि एनरेगा में कमियां नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन उसके एस्टेब्लिश होने से कई पॉजिटिव उसके एक्सटर्नैलिटीज बने हैं. उस तरीके से कई चीजें कर सकते हैं, नौकरियां आप बढ़ा सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग में आप केवल औरतों को सिलाई कढ़ाई के अलावा औरतें और बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब ब्यूटी पार्लर कितने खोलेंगे आप गाँव में, एक गाँव में कितने ब्यूटी पार्लर, मतलब ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग दे दे के आप औरतों को कोई बहुत ज्यादा एम्प्लॉयबल नहीं बना रहे, और सारी औरतें ब्यूटिशियन बनना भी नहीं चाहती, मुझे आप बोले ब्यूटिशियन बनो, मैं नहीं बनना चाहती हूँ, आप लाखों ट्रेनिंग दे दो मुझे. तो ब्यूटिशियन सिलाई कढ़ाई ये ठीक है, कुछ औरतें करना चाहती हैं उनको करने दो, लेकिन औरतें बहुत कुछ और कर सकती हैं, तो सरकार इसमें पहल ले सकती है, गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में, तालुकाओं में, छोटे शहरों में, कई किस्म के काम हैं जो कि सरकार, और उससे रोजगार का भी समस्या, रोजगार की भी समस्या हल होगी, और औरतों के रोजगार की भी समस्या हल होगी. ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बसेस शुरू करना क्यों नहीं कर सकती है सरकार, ये सब तो काम सरकार को ही करने पड़ेंगे. और एक वो सिग्नलिंग इफेक्ट होता है कि अब जब सरकार कर रही है तो फिर प्राइवेट एम्प्लॉयर्स भी फिर उन पे दबाव पड़ेगा ना कि वहां तो मुझे ये मिल रहा है सरकारी में तो आप क्यों नहीं दे रहे. तो ये सारे एक विशेष कुछ चीजों में रोल मॉडल मनाना पड़ता है. प्रणय, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे गांव में भारी काम आदमियों को मिलता है, पर अब जैसे मैकेनाइजेशन हो रहा है, अब फोर्कलिफ्ट तो कोई भी चला सकता है ना, लिवर ही खींचना होता है उसके लिए, थोड़ी आपको मसल चाहिए, लेकिन एक दिमाग रहता है वहां पे कि मैकेनाइजेशन भी आदमी हैंडल करेंगे, औरत नहीं करेगी, औरत बारीक काम करेगी. मैकेनाइजेशन से मैक्सिमम औरतों की जो काम करते थे वो हट गए, वही सारे मैकेनाइज हो गए, लेकिन वो मशीन औरत क्यों नहीं चला सकती? बिल्कुल, वो उनको नहीं मिलती चलाने को. और उसमें कभी कभी रोल मॉडल दिखाना है तो अगर सरकार थोड़े से भी बना रहे, एक लोगों को दिखता है कि अरे कर सकती है, तो फिर और लोग भी बिलीव करने लगते हैं कि कर सकती है. बहुत फर्क पड़ता है, हमें लगता है छोटी छोटी चीजें, लेकिन छोटी 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 चीजें, और सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ट्रांसपोर्टेशन हुआ, टॉयलेट फैसिलिटीज हुई, अब कोई फैक्ट्री में को आप औरत को बाय चांस अगर वो करना भी चाहे, पहले पहले 12-12, 14-14 घंटे कौन करेगा नौकरी, कर असंभव है, लेकिन मान लो कोई करे भी, तो वहां बाथरूम ही नहीं है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए कैसे काम करेगी वो? मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में ड्रॉप आउट क्यों होता है? क्योंकि जिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपको जाना है वो जो दूसरे गांव में है, पहले बात तो आप वहां जाएंगे कैसे, दूसरी बात वहां टॉयलेट ही नहीं है लड़कियों के लिए, तो पूरा दिन लड़कियां कैसे पढ़ाई करेंगी वहां बिना टॉयलेट के? कहने के लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन है बहुत बड़ी. तो मेरा एक और सवाल था कि जैसे अक्सर
पढ़ने में मिलता है, जो सेफ्टी है वो भी एक एंगल है और उसमें भी शायद सरकार काफी कुछ कर सकती है और उसका फायदा सबको ही होगा, मतलब पूरे भारत को ही होगा, मर्द औरत तो सबको होगा और उसमें भी शायद सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, और कोई तो करेगा नहीं। बात आपने बिल्कुल सही उठाई, लेकिन मैं एक चीज अर्ज करूंगी ये सेफ्टी वाले सवाल पे कि सेफ्टी का अर्थ आजकल औरतों को बंद करके रखो ये माना ज्यादातर होता है। तो हॉस्टल है लड़कियों का तो 8 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, औरतें हैं तो 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाएंगी। अरे औरतों को अगर सेफ रखना है तो आदमियों को बंद करके रखो ना घर में, हमें क्यों बंद करके रखो, हमने तो हम अपने आप पे थोड़ी हिंसा करते हैं। तो मुझे ये सेफ्टी वाले सवाल को लेके चिड़ ये मचती है कि जो व्यक्ति सेफ्टी लैक ऑफ सेफ्टी का विक्टिम है, जो व्यक्ति लैक ऑफ सेफ्टी का शिकार है, उसी को आप बंद करके रख रहे हो। बिल्कुल, नहीं वो किताब भी थी ना वायलॉयटर, जिसमें ये सब वायलॉयटर वाली किताब, लेकिन मैं उस तरीके से देख रहा हूँ जैसे स्ट्रीट लाइटिंग है और शायद ये तो बड़ा फैक्टर जजमेंट्स में भी आया है, तो स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह तो सरकार को करनी पड़ेगी ना, जिससे कि नहीं स्ट्रीट लाइटिंग सरकार को करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सब जो भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं वहां सबसे कम घटनाएं होती है। आप पेवमेंट्स बनाइए, बसें चलाइए, तो हम लोग क्या, हम गाड़ियों में घूमते हैं क्यों, क्योंकि मैं यहाँ तक मेट्रो स्टेशन तक जाऊंगी, मेट्रो में भी जाती हूँ लेकिन जाना इतना दिक्कत वाला है, पेवमेंट ही नहीं है कोई, जब पैदल भी अगर मैं जाना चाहूँ तो पेवमेंट्स बनाइए, स्ट्रीट लाइट्स बनाइए, एनकरेज द हैबिट ऑफ वॉकिंग एंड टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स द सेफेस्ट फॉर वुमेन, दैट्स द ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी लाइट वो वाला पार्ट। दूसरी बात यह है कि लड़कों को एक बहुत छोटी उम्र से औरतों की इज्जत करना ये सिखाना ही पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि औरतें तुम्हारी इक्वल्स हैं, और ये मिथिकल नहीं कि सीता द्रौपदी और वो वाली कहानियां, वो भी सुनाइए, लेकिन आजकल की हम लोग हैं सीता द्रौपदी, तो औरतों को लड़कों को ये सिखाना पड़ेगा कि लड़कियां उनके प्लेजर का एक जरिया नहीं है, गर्ल्स आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट बॉर्न टू गिव प्लेजर टू मैन, if it is a mutually consensual pleasure, yes, both will get pleasure. Girls also want pleasure, right? But reason that women exist on this earth is not to give pleasure to the men. So that has to be drained into the boys from a very early age. And they have to see their fathers respecting their mothers also, you know? So what they see and what they hear in school, ab ye sara boys locker room talk, ladke jis tarike se jo ek dusre ke bare mein ek dusre se baat karte hain ladkiyon ke bare mein, तो लड़की जरा सी फ्रेंडली हो गई तो बस वो तो शी इज अ स्लट, शी इज दिस, शी इज दैट एटसेट्रा। सो माय पॉइंट अबाउट दिस होल सेफ्टी इशू इज दैट ऑफ कोर्स सिटीज एंड स्पेसेस शुड बी सेफ फॉर वुमेन, बट दे विल बिकम व्हेन इट इज अ स्पेस इनहैबिटेड बाय पीपल हु वॉक फ्रीली। एक बहुत बढ़िया एक छोटी फिल्म है विच इज व्हाट डज फ्रीडम लुक लाइक, और एक लड़की है बॉम्बे में शूटिंग हुई है, वो उससे निकलती है अपने ऑफिस से, लेट हो गया रात को, फिर वो लोकल में जाती है, फिर वो उतरती है, फिर वो पैदल अपने घर तक जाती है, हर जगह पे लड़कों या औरतों की आदमियों की टोली, और हर बार वो जब जाती है तो हम ऐसे बैठ जाते हैं अरे बाप रे अभी कुछ होगा, तो कुछ नहीं होता है, वो उसकी ओर देखते हैं, वो अपना बात करते रहते हैं, वो चली जाती है। दैट्स व्हाट इट शुड बी लाइक, उसको बंद करके थोड़ी पिंजरे में रखना है। तो ये मेरा सेफ्टी, ये जो पूरा सेफ्टी का जो नजरिया है ना, आई फील लाइक द विक्टिम इज द वन टू बी कंट्रोल्ड, और ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो कि कास्ट प्यूरिटी से लिंक्ड है, जो बात कभी हम बाद में करेंगे, वो ये कि विमेन आर सीन एज द कस्टोडियंस ऑफ द प्यूरिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑफ द प्यूरिटी ऑफ द कास्ट, सो विमेन्स बॉडीज एंड देयर सेक्सुअलिटी हैज टू बी कंट्रोल्ड, कि कहीं गलत मर्द जो कि किसी गलत जाति से है कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए, तो हमारी जात का क्या होगा, हमारी इज्जत का क्या होगा, राइट? सो ये सारे जो औरतों पे जो पिंजरे लगाए जाते हैं, दिल्ली में तो एक आंदोलन भी है पिंजरा तोड़, जो कि हॉस्टल की लड़कियों ने, जिनकी बेचारी लड़कियां अरेस्ट भी हो गई ये सीए के चलते, तो बिल्कुल सेफ्टी इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक वी नीड टू चेंज द माइंडसेट अबाउट सेफ्टी, इट्स अबाउट ट्रीटिंग वुमेन एज इक्वल्स, नॉट अबाउट ट्रीटिंग वुमेन एज क्रीचर्स टू बी इम्प्रिजन्ड, टू बी ओनली ब्रॉट आउट व्हेन यू नीड देम and then back into their cages. No. हाँ. जैसे हमारे कॉलेज में होता था कि जो गर्ल स्टूडेंट्स थी उनको 7 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड ही नहीं है,
उनको हॉस्टल में ही रहना है। ये कैसा सेफ्टी होगा? हम तो कहते हैं हम सारे लड़कों को 7 बजे के बाद बंद कर दो अंदर, सिटी विल बी टोटली सेफ। हमें क्यों बंद करके रखते हो तुम लोग? खुद बंद हो जाओ अंदर, तो कोई चिंता ही नहीं है, फिर हम सारा मजे मारेंगे बाहर, घूमेंगे बाहर। डॉक्टर जमाल, आपने आपने क्योंकि वो डिप्रेशन एरा की बात की थी, एक सवाल मेरे उस टाइम पे दिमाग में आया था, रह गया था, तो अभी का जो कोविड का एक कोविड इंड्यूस्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन है, ये क्या थोड़ा उस टाइम के इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसा है 1929 यूएस के, कि उस समय उस डिप्रेशन की वजह से लेबर फोर्स बढ़ गया था पार्टिसिपेशन औरतों का, आपको लगता है कि अभी कोविड की वजह से बढ़ा हिंदुस्तान में उसका ये असर होगा या उल्टा होगा? दोनों में उल्टा उल्टा है। मेरा एक और पेपर है, अनफॉर्चुनेटली मतलब उस पेपर की शुरुआत ही ऐसे होती है कि कई बार बहुत ज्यादा कैटेक्लिज्मिक जब इवेंट्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हुआ या स्पेनिश इन्फ्लुएंजा जो हुआ था 1919 से लेके, या प्लेग आया था यूरोप में, खूब सारे आदमी चले गए थे, तब औरतों ने खूब काम करना शुरू किया, फेटालिटीज हुई थी, मतलब मौत हुई थी आदमियों की, तो औरतों को बाहर आना ही पड़ा काम काज करने के लिए, क्योंकि परिवारों का आर्थिक यू नो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वॉज इम्पोर्टेंट, तो कोई गुजारा ही नहीं हो सकता था। तो कई लोगों को ये लगा कि शायद ये कोविड के इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट पड़ा है, उसमें शायद ये हमें देखने को मिले, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने को मिलता नहीं है। तो इसमें भी मेरा कुछ काम मैंने किया है, तो नहीं हमें देखने को मिला, बल्कि घरेलू कामकाज के बारे में भी मैंने डेटा देखा था अप्रैल 2020 का, और मैंने उसको दिसंबर 2019 से कंपेयर किया था, तो उस वक्त आदमी लोग जो घर बताते हैं, खुद बताते हैं, सच हो झूठो जो भी है, लेकिन उन्हीं वही वो जो पैनल डेटा, मतलब उन्हीं आदमियों का से पूछा गया सवाल, तो अप्रैल 2020 में हमने देखा कि एवरेज टाइम स्पेंट ऑन हाउसवर्क बाय मेन इंक्रीज स्लाइटली। तो मैंने कहा चलो यही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, घर के बाहर का काम अलग बात है, लेकिन घर में अगर और आदमी लोग समझने लगे चलो अब, क्योंकि अप्रैल 2020 में घर में काम करने वाले लोग भी नहीं आ रहे थे, पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो हमें लगा चाहे इसी बात पे अगर नॉर्म्स थोड़े बदल जाएं, तो इफ द शिप द नीडल शिफ्ट्स अ लिटिल बिट दैट विल बी गुड, बट उसके बाद नेक्स्ट सर्वे हुआ अगस्त में, उसके बाद नेक्स्ट सर्वे हुआ दिसंबर में, दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2019 से भी ज्यादा बढ़ गया था वो जेंडर गैप, वही आदमी तो जो दिसंबर उन्होंने कहा भी बहुत कर लिया, उन्होंने कहा बहुत कर लिया, अब नहीं करूंगा, एक महीने में जो झाड़ू ले लेके व्हाट्सएप फोटो भेजे उससे हो गया हमारा कल्याण, अब ना हम झाड़ू पकड़ेंगे हाथ में, ना इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आए अप्रैल में कि मैं झाड़ू कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं ये हूँ वो, सब गया। तो एक थोड़ा बहुत एक आशा की किरण जागी थी अप्रैल में, वो किरण बहुत जल्दी बुझ गई। तो खैर जो भी है, कम से कम इसके बारे में बातचीत हो रही है, हम लोग यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये जितनी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, जितनी ये बात बढ़ेगी तो है ना, वो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी ये बात। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं बहुत बहुत मजा आया, इस पे कंक्लूड कर सकते हैं राइट प्रणय, ये वाला सेगमेंट हम बिल्कुल, हाँ तो इसी आशा वाले संदेश के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं, और शायद एक और एपिसोड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जाति प्रथा और भेदभाव का अर्थशास्त्र उसको कवर करने के लिए हमें और 1.5 घंटे लगेंगे, तो वो फिर कभी करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देशपांडे, आप आई और इतने विस्तार से आपने समझाया हमें इन सब चीजों को, और मेरा दावा है कि हमारे सभी श्रोताओं को पसंद आएगा ये एपिसोड, तो थैंक यू। यही उम्मीद है कि पसंद आए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. Are the great values of our constitution meant to be talked about by great men but not lived? On The Longest Constitution, Priya tells us about domestic violence laws in India and the many kinds of violence inflicted on women.
Here's a fun conversation about online dating apps on Cyrus Says, as Cyrus is joined by Snehal Khanor, co-founder and CEO of Truly Madly. On the Wire Talk, Siddharth is in discussion with Audrey Trishke, historian of South Asia and associate professor at Rutgers University. They discuss troll culture and the hate she received for her allegedly anti-Hindu views. On AudioGAN, Kedar and Abhineet get some design perspective from Navneet Nair, director of design at PhonePay. And on Tere Mere Raaste, Keshav takes us to Hyderabad, a melting pot of cuisine and culture. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. That is the most helpful thing that you could do to help us out. And finally, this week, we'd like to thank our sponsors on the network, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intel vPro. We really do appreciate the support. This is what makes it possible. If you're a cricket fan, check out Edges and Sledges, India's favorite cricket podcast. The podcast focuses on Indian cricket, the IPL, and has a ton of banter both on and off the field. We talk about the week's biggest cricket stories with current and ex-international cricketers, coaches, or sometimes just between us. And it's hosted by me, DJ. Me, Varun. And me, Ashwin. New episodes release every week. You can catch us on the IVM Podcasts website, app, or wherever you get your podcasts from. Check out the Edges and Sledges Cricket Podcast.